नमस्कार, शाम के ठीक 5 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना शो इंडिया का सवाल और मैं हूं आपके साथ प्रीति चौहान। जाति, जी हां, जाति जो कभी नहीं जाती। जात न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। आपने सुना ही होगा ये मुहावरा। कहते हैं कि सज्जन की जाति न पूछकर उससे ज्ञान को समझ लेना चाहिए, उसके मूल्य को समझना चाहिए, जैसे तलवार का मूल्य होता है ना कि उसकी मयान का मूल्य होता है। आप सोच रहे होंगे कि हम ये बात आपको आखिर क्यों बता रहे हैं। दरअसल आज एक बार फिर से चर्चा में जाति है जो कि कभी नहीं जाती है, और वजह है अग्निपथ योजना। अग्निपथ, अग्निपथ और अग्निपथ। देश में जब से ये योजना आई है तब से किसी न किसी मुद्दे को लेकर बवाल मचा है। कभी युवा हंगामा करते हैं तो कभी विपक्ष। एक बार फिर कुछ सवालों को लेकर विपक्ष का बवाल आज फिर से हुआ। योजना में जाति को लेकर इस वक्त देश में घमासान चल रहा है। सेना में भर्ती के लिए जाति और साथ ही धर्म प्रमाण पत्र मांगे जाने पर विपक्ष सरकार पर लगातार हमलावर है। जहां सरकार साफ कर चुकी है कि भारतीय सेना जाति धर्म से ऊपर है, तो वहीं इस पर सियासत ना करे। लेकिन इन सब के बीच यहां बड़ा सवाल यह है और इंडिया का सवाल यह है कि आखिर जब जाति प्रमाण पत्र हमेशा मांगा जाता रहा है तो अब आखिर बवाल क्यों? क्यों सरकार अपना पक्ष रख पाने में कमजोर साबित हो रही है, जिस वजह से आए दिन किसी न किसी बात को लेकर हंगामा बरप रहा है। इन सब पर अपने मेहमानों से बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको छोटा सा रिपोर्ट दिखाएंगे और समझाएंगे कि आखिर इस वक्त जाति को लेकर क्या कुछ चल रहा है, अग्निवीर या फिर सैनिक ट्रेनिंग को लेकर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। और इसीलिए इंडिया के सवाल में सवाल आपके पते की है, क्योंकि देश ये सवाल पूछता है। देखिए, जाति है मगर जाति नहीं। अग्निवीर की भर्ती पर बवाल, जाति प्रमाण पत्र पर खड़े हो रहे सवाल। अग्निपथ वो योजना जो शुरुआत से ही विवादों में रही, जिस पर हुआ बवाल शायद ही कोई भूल पाए। शहर शहर जलती ट्रेनें और बसें, युवाओं के दंगे और विपक्ष का बवाल आखिर कौन भूल सकता है। हालांकि ये बवाल आज तक थमा नहीं है। दरअसल अग्निपथ को लेकर अब नया फसाद शुरू हो गया है। इस बार फसाद की जड़ जाति है, वो जाति जो कभी जाती नहीं। भारी बवाल के बाद पीएम मोदी की योजना अग्निपथ के लिए अग्निवीरों की भर्ती शुरू हुई तो लगा कि हंगामा शांत हो जाएगा, अब योजना पर कोई यलगार नहीं करेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जैसे ही सेना में भर्ती के लिए जाति प्रमाण पत्र की मांग उठी तो इस पर सियासत शुरू हो गई। अग्निपथ योजना को लेकर पहले से ही आक्रामक रवैया इख्तियार कर चुका विपक्ष, अब जाति प्रमाण पत्र को लेकर जिरह और जंग दोनों के मूड में है। सेना की बहाली में कहीं से कोई रिजर्वेशन जैसी चीज है ही नहीं, तो उसमें फिर जात पूछने का क्या मतलब? जात और धर्म दोनों का सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है कि आप किस जात के हैं, किस धर्म के हैं, इसका भी प्रमाण आपको देना पड़ेगा। अब उसको भी पता नहीं अभी तक कि आखिर ऐसा क्यों है। इसलिए हमने रक्षा मंत्री जी से आग्रह किया है कि इस पर एक स्पष्टीकरण आना चाहिए, आखिर इसका उपयोग क्या है। जात ना पूछो साधु की, लेकिन जात बताओ फौज की, ये कौन सी नीति है? इस नीति पर सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। हम माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप अविलंब इस योजना को रोल बैक कीजिए, क्योंकि अग्निपथ योजना किसी भी दृष्टिकोण से नौजवानों के हित में नहीं है, छात्रों के हित में नहीं है, और इस योजना से बेरोजगार नौजवानों के साथ कहीं ना कहीं बड़ा खिलवाड़ होने वाला है। अग्निपथ योजना को लेकर भले ही युवाओं का गुस्सा शांत हो गया हो, मगर सियासत जारी है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने मामले को उग्र होता देख प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने विपक्षी पार्टियों को आड़े हाथों लिया और आरोप लगाया कि ये लोग इंडियन आर्मी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं।
स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह पूरी तरह से अफवाह है। जो पहले व्यवस्था थी माने आजादी के पहले से, वही व्यवस्था अब तक जो है चली आ रही है, उसमें कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन जाति की जो मांग की गई है सर, मैं जो कह रहा हूं जो पुरानी व्यवस्था रही है वही व्यवस्था चली आ रही है। अब इसके आगे मुझे क्लैरिफाई करने की समझता हूं कोई जरूरत नहीं। इंडिया की आर्मी में रिक्रूटमेंट का एक प्रोसीजर है और ये जो रिक्रूटमेंट का प्रोसीजर है यह कोई आज का बना हुआ प्रोसीजर नहीं है। यह प्री इंडिपेंडेंस के समय भारत स्वाधीन हो, भारत की स्वतंत्रता मिले, उससे पहले का यह प्रोसीजर चला आ रहा है। और यह जो पूरा प्रोसीजर है एक स्पेशल आर्मी ऑर्डर के अंतर्गत पोस्ट इंडिपेंडेंस के समय में इसे फॉर्मलाइज किया गया था और वही प्रक्रिया अभी भी चल रही है। लगातार हो रही बयानबाजियों के बीच भारतीय सेना के अधिकारियों का भी बयान आया। सैन्य अधिकारियों का कहना है कि अग्निपथ योजना के तहत सैन्य भर्ती प्रक्रिया में किसी प्रकार का कोई खास बदलाव नहीं हुआ है। जाति धर्म जैसे सर्टिफिकेट भर्ती के दौरान सेना ने हमेशा से मांगे हैं, इसमें कुछ भी नया नहीं है। जब से अग्निपथ योजना आई है तब से इसको लेकर जमकर विरोध हो रहा है। योजना की घोषणा के 24 घंटे बाद ही देश भर में बवाल मचा था। कई राज्यों में युवाओं ने सड़क पर उतरकर उग्र प्रदर्शन किया था। हालांकि सरकार के तमाम वादों के बाद ये मामला शांत होता नजर आया था, लेकिन अब एक बार फिर से ये लगातार तूल पकड़ता दिख रहा है। बस अब ये जाति पर शुरू हुई जिरह जंग का रूप अख्तियार न कर ले। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो ये वही फॉर्म है इंडियन आर्मी का जिसको लेकर के ट्वीट किया गया है और ये पूछा जा रहा है। ये हमने ब्रैकेट में रखा है यहाँ पर धर्म और जाति की बात, जो लगातार जो परीक्षार्थी होते हैं उनसे पूछा जाता है। हालांकि इस पर राजनाथ सिंह ने कहा है कि ये तो पहले से चली आ रही है प्रथा, धर्म और जाति तो पूछा ही जाता है। अब ऐसे में जो सवाल उठाए जा रहे हैं उस पर बातचीत करने के लिए हमारे पास हमारे गेस्ट, हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, आ चुके हैं तहसीन पूनावाला, राजनीतिक विश्लेषक, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महिमा सिंह प्रवक्ता कांग्रेस की हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। ऋषभ तिवारी नेता बीजेपी के आ चुके हैं। एजाज अहमद प्रवक्ता आरजेडी से, एयर कमांडर एसपी सिंह डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ आ चुके हैं। साथ ही घनेन्द्र भारद्वाज प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी ने टाइम निकाला न्यूज इंडिया 24/7 के लिए। और ऐसे में जिस तरीके से अग्निवीर को लेकर के, अग्निवीर यानी कि अग्निपथ योजना को लेकर के इस वक्त जो सियासत गरमाई है, पहले तो सियासत जब गरमाई थी तब थोड़ा सा लग रहा था कि प्रधानमंत्री के बीच में आने के बाद थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ा है, लेकिन एक बार फिर से जब भर्ती की प्रक्रिया शुरू हुई है तो एक बार फिर से ये ट्वीट आता है सामने और ये जो आर्मी भर्ती का जो ये फॉर्म है उसको ब्रैकेट में डालकर सवाल पूछा जाता है कि आखिर यहाँ पर धर्म जाति क्यों पूछी जा रही है, यानी कि कास्ट क्यों पूछा जा रहा है। ऐसे में मेरा जो पहला सवाल है वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है घनेन्द्र भारद्वाज जी। घनेन्द्र जी, एक तो है कि इस वक्त बीजेपी अग्निपथ योजना के साथ है, उसके बाद दूसरा क्या जो विपक्ष है, माफ कीजिएगा भाजपा इस वक्त अग्निपथ योजना के साथ है, तो क्या विपक्ष अफवाह के साथ है? देखिए, एक बार नहीं कई बार डिस्कशन हो चुके, कई बार इस मुद्दे पे चर्चा हो चुकी है कि केंद्र की सरकार, मोदी सरकार लगातार सेना को कमजोर करने का काम कर रही है। आपने 75% नौकरी हर साल कमी करने की बात करी। एक तरफ चाइना है, हमारा सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? चीन और पाकिस्तान है। चीन तो हर साल 4 लाख लोगों को आर्मी में भर्ती करेगा, हम हर साल 46,000 लोगों को भर्ती करेंगे और 35,000 लोगों को हटाएंगे। पहले साल भर्ती के लिए क्या चाहिए होता था कि आपके अंदर देशभक्ति का जज्बा कितना है, आप शारीरिक रूप से कितने फिट हैं, आपके लिए कंट्री के लिए कितनी कमिटमेंट है, आप कितने फिट हो और आपके अंदर कितना एंथुसियाज्म है, कितना साहस है, उन सब चीजें को पे मेरिट पे सेना में भर्ती होती थी। अब सेना में भर्ती क्या हो रही है कि आपके पास एक फॉर्म आता है, उस फॉर्म में पहले आपको लिखना पड़ता था कि आपकी नेशनलिटी क्या है, इंडियन। इंडियन का मतलब सब लोग इंडियन है। अब उसमें आपने कॉलम ऐड कर दिया कि आपकी जाति क्या, आपका धर्म क्या है। अरे जाति धर्म के नाम पे सेना को डांटो, हमारी सेना का इतिहास रहा, हमारी सेना वर्ल्ड में एग्जाम्पल्स है लोगों के पास की, और आज सेना में कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है, सेना में कोई भी जा सकता है, लेकिन सरकार पता नहीं क्या कर रही, समझ से बाहर है। और दूसरी बात, आप पहले एक साल में एक सैनिक तैयार होता था,
अब 6 महीने में आप सैनिक तैयार कर रहे हो, 3 साल में उसको घर भेज रहे हो, किस तरीके की ये सरकार की सोच है? हमारी तो समझ से बाहर है, अगर किसी को समझ में आ रही हो। छोटा सा रिएक्शन रखेंगे, तहसील पूनावाला हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए, इस पर क्या कहेंगे? जैसा कि अभी भारद्वाज साहब बता रहे थे कि 4 साल आप अग्निवीरों को दे रहे हैं और उसके बाद आप जाति और धर्म के आधार पर उनको बांट रहे हैं, जबकि भाजपा के नेशनल स्पोक्सपर्सन संबित पात्रा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है कि हम बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हम पहले से चली आ रही प्रथा है जिसमें जाति और धर्म पूछा जाता है, इसमें नया क्या? क्या कहेंगे? जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मेरे लिए शुक्रगुजार हूं। अगर भाजपा ये कहती है कि पहले से कोई प्रथा चली आ रही है, इसी को फॉलो कर रहे हैं, तो जो रेगुलर रिक्रूटमेंट है पिछले 2.5 साल से वो क्यों नहीं किया? रेगुलर प्रथा जो पहले से प्रथा चली आ रही है तो वो थी, अग्निपथ तो नहीं प्रथा है, मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है, ऐसा मास्टर स्ट्रोक जैसे नोटबंदी और जीएसटी की तरह 4 दिनों में उन्होंने 20 रूल बदल दिए, तो दिक्कत क्या है? मैं आपको बताता हूँ दिक्कत क्या है। 2 चीज, अगर ये नई प्रथा थी तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं थी, ये इसलिए लिया जा रहा है और इसमें आगे डाउट इसलिए आएगा क्योंकि आपको रिक्रूटमेंट से डेमोक्रेटिक लगातार मैं हर चैनल पे कह रहा हूँ, उसमें एक बहुत बड़ा एक असंकोच लोगों को, एक बहुत बड़ा डर हो रहा है, पूर्व आर्मी और आर्मी में जो लोगों ने देश की सेवा की उनको लग रहा है कि आपने कोई फॉर्मूला देश को बताया नहीं कि आप किस आधार पर 25% रिक्रूट करोगे, 75% छोड़ोगे। इसका मतलब ये है कि डर है, यूनियनाइजेशन हो सकता है, पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है, और उसके बाद जो बड़े बड़े वादे किए मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने, अन्य सूबों के पुलिस ने, कि इन लोगों को जो लोग आर्मी में थे, अग्निवीर में थे, हम उनको रिक्रूट करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ भारत की पुलिस फोर्स में इस वक्त करीबन 2 करोड़ नौकरियां फ्री है, तो पहले आपने वहां पे भर्ती क्यों नहीं की? अभी नए लोगों को आप लोगे, और आप जानते प्रीति जी ऑलरेडी पुलिस फोर्स में और सेंट्रल फोर्सेज में एक रिजर्वेशन है, जो लोग आर्मी से आते उनको रिजर्व करने की, वहां पर इससे 1500 भर्ती हुई है, 1500, तो जो लोग छोड़ रहे उनके लिए आपने कुछ नहीं किया, ये नए जुमले दिए जा रहे हैं। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी का नाम मैंने रखा है भारतीय जुमला पार्टी, सिर्फ झूठ बोलते, कोई तथ्य इनके पास नहीं। सवालों का जवाब ले लेते हैं, छोटा सा रिएक्शन भी। हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता ऋषभ तिवारी, भाजपा के नेता ऋषभ हमारे साथ मौजूद है। ऋषभ, आप लोग जातिवाद फैला रहे हैं, विपक्ष आरोप लगा रहा है कि आप सेना में भी जातिवादी और धर्म। जी प्रीति जी, सबसे पहले मैं एक बात को स्पष्ट करूंगा कि मुद्दा देश से जुड़ा है, सेंसेटिव है, बीच में मैं किन्हीं को भी इंटरप्ट नहीं किया था, उम्मीद करूंगा मुझे भी अपनी बातों को निष्पक्ष तौर पे रखे दिया देने के लिए ये आमंत्रित किए हैं तो मैं रखूंगा। पहला विषय, हमारे आरजेडी के मित्र कह रहे थे कि मौजूदा सरकार आर्मी को कमजोर कर रही है, तो सर मुझे लगता है कि जैसे तेजस्वी यादव जी आपके बिना स्टडी किए कोई भी स्पीच देने लगते हैं, वैसे भी आप बिना स्टडी किए लगता है डिबेट में आ जाते हैं। आम आदमी पार्टी के थे वो, अभी जो बोल रहे थे आम आदमी, अभी ये पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं, नहीं, इनको बेहतरीन तरीके से जान रहा हूँ, अभी जो इससे पहले बोल रहे थे हमारे मित्र, सर आपने प्रोनाउंसिएशन गड़बड़ किया होगा, मैं भी, तो उनका जो भी कहना था मैं उनसे सीधे तौर पर कहना चाहता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी ही है जिसने अभी तक इतने सालों से सेना को परफेक्ट तरीके से बुलेट प्रूफ जैकेट तक नहीं दिया था बाकी पार्टियों की सरकारों ने, जो भारतीय जनता पार्टी ने देने का काम किया है। आत्मनिर्भर डिफेंस की अगर हम बात करते हैं तो चाहे टेक्नोलॉजी रिफॉर्मेशन हो, चाहे उन्हें आधुनिक तरीके से बाकी कंट्री से कंपेयर करके जोड़कर मजबूती प्रदान करने की हो, उस पहलू पे ये भारत सरकार काफी मजबूती से कार्य कर रही है। और बाद में तहसील पूनावाला जी ने एक विषय रखा कि 2 साल से अगर ये नई प्रणाली नहीं है तो आप 2 साल से रिक्रूटमेंट 2.5 साल से क्यों नहीं कर रहे थे? तो सर शायद आप भी इस देश में रह रहे हैं, मैं भी इसी देश में रह रहा हूं, कोरोना की महामारी ने पूरे देश ने देखा है और कोरोना के समय हमने देश को मजबूती से निकाला है। दिक्कत क्या है प्रीति जी, हमें यह समझने की आवश्यकता है। एक बहुत छोटा एड चलता था बीच में जब ओलंपिक आया था इंडियन क्रिकेट का, मौका मौका करके, तो इनको हर चीज में मौका दिखता है कि मौजूदा सरकार को कैसे बदनाम करें, चाहे वो मौका वैक्सीन का हो, चाहे वो मौका आर्मी से रिलेटेड हो, चाहे वो मौका कास्ट से रिलेटेड हो, चाहे मौका युवाओं से रिलेटेड हो, पर देश की जनता मौका देगी वापस से भारतीय जनता पार्टी को सत्ता बनाने के लिए, इन्हें विनाश की राजनीति का मौका कतई नहीं देगी। अभी रिएक्शन लेंगे, हमारे साथ महिमा जी हैं, महिमा सिंह है प्रवक्ता कांग्रेस के। रिएक्शन पहले ले लेते हैं हमारे साथ महिमा जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, कह रहे हैं भाजपा को बदनाम करने की कोशिश है। महिमा जी, भाजपा के नेता ऋषभ तिवारी का कहना है कि भाजपा को बदनाम करने की कोशिश है, इस तरह की नीति अपनाकर विपक्ष खुद कटघरे में खड़े अपने आप को खड़ा कर रही है।
पूजा जी, एक कवि की कल्पना थी कि कुछ लोग बदनामी में भी नाम ही ढूंढते हैं, भाजपा की संस्कृति उसी प्रकार की लगती है। खैर, अभी जो वक्तव्य हमने भाजपा के प्रवक्ता का सुना, उसका दारोमदार ये समझ में आता है कि वो डिफेंस के लिए भाजपा ने क्या क्या किया, जैसे कि 8 वर्ष पूरे होने पर भाजपा ने एक लंबी फेहरिस्त थमा दी थी हम सभी को, वो भी यहाँ पर उसी प्रकार के क्लेम्स करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन डिफेंस के लिए भाजपा ने क्या किया, इस पे जाएंगे तो एक अलग विस्तृत चर्चा हो जाएगी, और उस पर मैं आज इस चर्चा में नहीं जाना चाहती हूँ। आज बात अग्निपथ की है, आज बात हमारे युवाओं को किस तरह से भाजपा बलगला रही है उसकी है। आज बात ये देखने की है कि जब ये सेना के अंदर भी जाति और धर्म प्रमाण पत्र की बात होती है, और जब रक्षा मंत्री से सवाल किया जाता है, उनकी आवाज में जो आक्रामकता दिखाई देती है जब उनसे पत्रकार दोबारा से पूछते हैं, तो वही कहते हैं कि मैंने आपको बता दिया ना कि जो पहले फॉलो हो रहा था तरीका वही फॉलो हो रहा है। उस बयान को भारत का हर एक नागरिक जरा दोबारा से सुने, उनकी आवाज में छुपी आक्रामकता को सुने, जिस आक्रामकता को सुनकर के भाजपा की मंशा साफ साफ समझ में आती है। ये समझ में आता है कि भाजपा कोई उत्तर नहीं देना चाहती, भाजपा चर्चा नहीं करना चाहती, चाहे वो GST पर हो, चाहे वो बेरोजगारी पर हो, चाहे आज वो अग्निपथ के ऊपर हो। ये बात आज भारत के हर नागरिक को समझ में आ रही है पूजा जी, क्योंकि 2014 में जिन लोगों ने 18 वर्ष की आयु में वोट दिया था वो आज लगभग 26 के हैं, और उसमें से ज्यादातर लोग आज बेरोजगार हैं। 63% लोग आज देश के अंदर बेरोजगार हैं युवाओं में, उस आयु समूह के अंदर। एक और बात देखने की है कि पिछले 2 वर्ष के अंदर लगभग 12.25 करोड़, पिछले 3 वर्ष के अंदर 12.25 करोड़ बेरोजगार हुए इस देश के अंदर, रोजगार खोए लोगों ने। इस तरह की परिस्थितियों को बना करके, इस तरह की परिस्थितियों चर्चा में आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान हैं, उनसे छोटे छोटे पहले रिएक्शन ले लेते हैं। हमारे साथ एजाज अहमद है, प्रवक्ता RJD से। सर, अफवाहों में बिजी है आपकी पार्टी, पता ही नहीं है आपको पहले से क्या कुछ चला आ रहा, बस अफवाह फैला रहे और कह रहे हैं भाजपा को कि आप जातिगत, अभी आप सेना में जातिवादी भाव फैला रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो जुमलाबाजी करने में महारत हासिल किए हुए है, उनके प्रवक्ता को ये भी पता नहीं है कि किसने कौन सी बातें कही। वो डायरेक्ट उनको लालू फोबिया और RJD फोबिया का जो शिकार है भारतीय जनता पार्टी, और सबसे ज़्यादा अगर किसी से डर है तो वो राष्ट्रीय जनता दल से। ये उनके प्रवक्ता के द्वारा मुझसे कहने से पहले ही वो राष्ट्रीय जनता दल कहना शुरू कर दिए। इससे ही समझ में आता है कि उनको तेजस्वी प्रसाद यादव ने जो बातें कही हैं वो स्पष्ट रूप से उनको चुभ गया है, और उन्होंने जो सच्चाई पर आधारित बातें कही हैं। तेजस्वी जी ने सिर्फ और सिर्फ ये बात पूछने का काम किया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता ये क्यों नहीं बताते हैं कि जातिगत जनगणना कराने की बात पर वो कहते हैं कि इससे विद्वेष फैलेगा, लेकिन सेना के अंदर वो जातीय भावना को ला करके किस तरह की मानसिकता को प्रदर्शित कर रहे हैं ये बताने की आवश्यकता है। और जो माननीय रक्षा मंत्री जी अभी कह रहे थे, माननीय रक्षा मंत्री जी से भी मेरा एक सवाल है कि पूर्व में जो सेना में ये प्रक्रिया चली आ रही थी उनके कथनानुसार, जबकि ऐसी बात है नहीं, तो उनको नियमित सेना भर्ती योजना को क्यों कैंसिल करना पड़ा ये बताना चाहिए। और जो ये अग्निवीर योजना आई है ये नई तरह का योजना है, और अग्निपथ योजना के माध्यम से जो अग्निवीरों की भर्ती होगी उसमें आपने प्रक्रिया रखी है कि 75% का हर 4 वर्षों पर छटनी किया जाएगा। आप जब जातीय सर्टिफिकेट उनका ले लेंगे तो कहीं ना कहीं आपका जो हिडन एजेंडा है, आपका जो दलित और पिछड़ा के प्रति मानसिकता है, आपका जो वंचितों के प्रति मानसिकता है, वो मानसिकता कहीं ना कहीं प्रदर्शित होगा। सर, राजनीतिक क्वालिटी, आप लोग जितने राजनीतिक दल, जितने राजनीतिक दल के मेहमान हमारे साथ यहाँ बैठे हुए हैं, आप सबकी बात मैंने सुन ली, और ऐसे में तथ्य जानना बहुत जरूरी हो जाता है, उसके बाद चर्चा में आगे बढ़ेंगे। इसीलिए हमारे साथ एयर कमांडर RSP सिंह, डिफेंस एक्सपर्ट, हमारे साथ बैठे हुए हैं। सर, आपने तमाम पॉलिटिकल लोगों की यहाँ पे बातें सुन ली, एक एक चीज, एक एक विषय पे किसका क्या कहना था, ऐसे में आप बताइएगा। सर, मैं आपसे सिर्फ एक ही चीज पूछूंगी, इसका क्या मतलब है, रिलीजन और कास्ट? मैं बताऊँ, मैं अगर थोड़ा सा समय नहीं, मैं दोनों चीज़ें क्लैरिफाई कर देता हूँ। सबसे पहले मैं अपने सभी पैनलिस्ट का स्वागत करना चाहता हूँ, और मैं गर्वानी महसूस कर इन सभी
बड़े ही अच्छे लोगों के साथ मैं बीच में इस समय हूँ अपनी बात रखने के लिए। पहली बात, ये जो आप बात कर रहे हैं कास्ट और रिलीजन की रिक्वायरमेंट की, दोनों का मैं एक एक करके जवाब देता हूँ। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है आर्म फोर्स में। आर्म फोर्स जो हैं रिलीजन और कास्ट से ऊपर हैं। हम लोग जब युद्ध करते हैं, युद्ध की तैयारी करते हैं और देश की रक्षा के लिए करते हैं, तो हमारे इसमें किसी में कोई भी कास्ट, रिलीजन और किसी भी कारण से कोई मतभेद नहीं होता। हम एक ग्रुप, एक यूनिट की तरह काम करते हैं। हर इंडिविजुअल की समर्थता को जोड़ा जाता है और फिर हम उस देश की रक्षा के लिए इकट्ठे होकर युद्ध करते हैं। पहली बात ये। दूसरा, ये जो बात कही है कि कास्ट जो है अभी मांगी गई है, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। 2013 का ही केस है जो सुप्रीम कोर्ट में आया था। एक श्री IS यादव डॉक्टर थे रिवाड़ी के, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में केस दिया था, जिसका जवाब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस उस समय श्री एंथनी जी डिफेंस मिनिस्टर थे और मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उसका जो जवाब दिया गया था वो एक सिंपल सा जवाब जो दिया गया था, जिसको क्या कि आर्मी जो है एक जो लोगों को रीजन के हिसाब से ग्रुप करती है, कंपोजिंग करती है, कंपोजिंग और ग्रुप के लिए इंडिविजुअल जो कॉमन रीजन है उनको एक सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट की तरह किया जाता है, उसके बाद उनको एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और कॉमन ट्रेनिंग, ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट, इन चीज़ों के लिए उनको एक रीजन की तरह ग्रुप में रखा जाता है। जैसे जाट रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट है, जैकेट लाइफ है, जैक राइफल है, अलग अलग तरह से जो राजपूताना राइफल है, ताकि उनके अंदर एक आपस में सामंजस्य हो सके और एक फाइटिंग फोर्स ग्रुप की तरह लड़ सके। ये कारण दिया। और ये जो है 1947 में जब देश हुआ तब से ही ये चला आ रहा है। ये जो पटिशन है मैंने आपको बताया सुप्रीम कोर्ट की, ये 2013 फरवरी की है। 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने फिर इसी आधार पर जो वक्तव्य दिया गया था, जो बयान दिया गया था डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से, उसके आधार पर इस PIL को खारिज कर दिया। तो आज इतने साल बाद फिर से उसी मुद्दे को उठाना शायद ये जायज नहीं है। ठीक है, तहसीन पूनावाला, छोटा सा लेंगे आपका सवाल का जवाब, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, हमारे को ब्रेक भी लेना है। तहसीन जी, अवल तो मैं सिंह साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इन्होंने देश की सेवा की, अब सब सुरक्षित इनके जैसे लोग रखते हैं, तो मैं इनका बहुत आभारी हूँ। मैं 2 या 3 चीज कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज, सिंह साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो आर्मी रेजिमेंट कास्ट के हिसाब से बनेगी, मराठा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, वहां पर आप कास्ट सर्टिफिकेट मांगते हो, वो बात को कौन इनकार कर रहा है? तो रेजिमेंट ट्रेडिशनल है, अग्निवीर से नई स्कीम थी, उसका कास्ट में क्या लेना देना, उसका कोई लेना देना नहीं कास्ट, एक गलत है और जो गलत है आप गलत मानना चाहिए। दूसरी चीज, देखिए मूल सवाल भाजपा ने मेरे मूल सवाल का उत्तर नहीं दिया। मैंने भाजपा से 2 सवाल पूछा, आपने 2.5 साल से रिक्रूटमेंट क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा कोरोना चल रहा था, कोरोना में मोदी जी बंगाल में जाकर वीडियो दी थी, तो कह सकते थे रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, रिक्रूटमेंट तब नहीं किया, अब रिक्रूटमेंट क्यों नहीं कर रहे, इसका कोई उत्तर नहीं इनके पास। लेकिन भाजपा को जो सबसे बड़ा झूठ है जो आपको नहीं बता रहे, वो ये है कि भाजपा कहती है कि अग्निवीर जो 75% बाहर आएगी, इनको सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑब्जर्व कराया जाएगा। सरकार का डेटा, पार्लियामेंट का डेटा आपको बताऊं, सेंट्रल पब्लिक सेक्टर जहां पर 14.5% रिजर्व है आर्म फोर्सेज के लिए, वहां पे 1.5-15% की भर्ती है, बाकी जहां 24.5% ग्रुप डी के लिए, वहां पे 0.3% अब तक इन्होंने भर्ती कराया है। बाकी उसके अलावा जो बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट टीम्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी है, जहां पे 10 और 20% ग्रुप डी और ग्रुप डी के लिए रिजर्वेशन किया है, वहां पे 1.29% और 2.66% इन्होंने सोफा जॉब दी है। तो अग्निवीर के लिए कहां से जॉब देंगे? और सेकेंड, ऑलरेडी कोटा है सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो जो कोटा का अग्निवीर जो कोटा के बारे में बात करते हैं, अग्निवीर टीम क्या ये कोटा से ऊपर है या कोटा से नीचे? आप स्पेसिफिक जवाब दीजिए, जुमला नहीं बनती। आप कोटे की बात कर रहे हैं कि क्या अग्निपथ जो योजना है वो कोटे के अंदर आता है या कोटे के बाहर है? अभी तक शुरू रिक्रूटमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, ठीक है, रिक्रूटमेंट शुरू हो चुकी है, दर्शन जी रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आप गलत समझ रहे हैं। आज तक जो हमारे आर्म फोर्सेज है इनके लिए ऑलरेडी कोटा है सेंट्रल फोर्सेज के अंदर, अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर 20%। रिक्रूटमेंट आज तक मोदी जी ने 1% किया है, औसत 1%। आप कह रहे हैं अग्निवीर को भी हम जॉब देंगे, तो जो ऑलरेडी वेकेंट थी आपने उनको जॉब क्यों नहीं दिया? 5 लाख पुलिस फोर्सेज वेकेंट है भारत में, उत्तर प्रदेश में मात्र 1,30,000 फोर्सेज नहीं, कोटे के बाद अग्निपथ में रहते हैं। तो अग्निपथ योजना को लेकर के जिस तरह इस वक्त पूरे देश में माहौल गरमाया हुआ है कि अग्निपथ योजना में वो जो कॉलम है जाति की, वो आखिर क्यों है, ये विपक्ष सवाल उठा रहा है और कह रहा है कि 4 साल की ट्रेनिंग पीरियड है, 4 साल के लिए अग्निवीर अग्निपथ ज्वाइन करेंगे, उसमें भर्ती होंगे, ऐसे में वहां कास्ट की क्या जरूरत है? ये सवाल विपक्ष उठा रहा है और इस पर आज भाजपा ने जवाब भी दिया और साथ ही ये कहा है कि ये योजना और ये जो
वहां पर कास्ट और जाति पूछने का जो चलन है वो पहले से चला आ रहा है, ये कुछ नया नहीं है। लेकिन सवाल यहाँ ये बनता है कि जब पहले से चला आ रहा है तो फिर अचानक ये सवाल क्यों? ऐसे में आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ भारद्वाज साहब जुड़े हुए हैं। सर, सवाल तो यही है ना, आपने तमाम चीजें बता दी, लेकिन सवाल यहाँ ये है कि जब खुद रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि ये प्रोसीजर है जो स्टार्टिंग से चला आ रहा है, हम फॉलो करते हैं, रिलीजन फॉलो करते हैं, कास्ट फॉलो करते हैं, जैसा कि अभी हमारे साथ कमांडर साहब ने भी बताया कि ये रेजिमेंट्स होते हैं उसके लिए जरूरत होती है, अंत्येष्टि के लिए जरूरत होती है, फिर ऐसे में क्यों विपक्ष इस पर हमलावर हो रहा है? भारद्वाज साहब, आप अपने स्काइप को अनम्यूट कीजिए, आप म्यूट मोड में। भारद्वाज साहब, आपसे कनेक्ट। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी जी, भारद्वाज साहब जी जी जी। देखिए, हम भी नहीं कह रहे, देश का नौजवान, देश की सारी विपक्षी पार्टी, पूरा देश पूछ रहा है कि अग्निवीर योजना से किसको लाभ हो रहा है। आपने देखा कितने प्रोटेस्ट हुए, किस तरीके से? नहीं तो हमने तो ये भी देखा ना सर, सर अग्निवीर में हमने ये भी देखा कि कई ऐसे जवान जिसके विजुअल्स हमारे पास आए थे, उन्होंने कहा था 4 साल के लिए सही, हम देश की सेवा के लिए जाएंगे, ये भी विजुअल्स थे सर। अफवाह में और सत्य में दोनों में फर्क है सर। देखिए, हम शुरू से क्या कह रहे, आप उनको भर्ती कर रहे, सैनिक है, सैनिक को सैनिक का सम्मान तो दो, 3 साल बाद आप उसको जबरन रिटायर कर दोगे, पोस्ट रिटायरमेंट आपने उसकी कोई नौकरी की बात नहीं करी, कोई एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करी, और उसके बाद ना उसको पेंशन मिलेगी, ना उसे कोई बेनिफिट मिलेंगे। आप किस तरीके से एक सैनिक है, चाहे वो 3 साल के लिए 4 साल के लिए जा रहा है, लेकिन उसके अधिकार है, वो देश के लिए लड़ने जा रहा है, उसमें उसकी शहादत भी होगी, उस शहादत के लिए कुछ नहीं कहा कि अगर वो उस पीरियड के अंदर अगर उसकी शहादत हो जाती है तब भी उसकी फैमिली को या उसको कोई बेनिफिट्स नहीं मिले। तो सरकार ने बगैर सोचे समझे कैसे स्कीम ले गए आगे, जो सिर्फ और सिर्फ इनके लोगों को लगा कि ये ठीक है, लेकिन देश का नौजवान कह रहा है कि नहीं, आप परमानेंट कीजिए। किसने मना करा है? चाइना तो 4 लाख भर्ती हर साल कर रहा है, हम 45,000 भर्ती हर साल करेंगे, उसमें 35,000 बाहर कर देंगे, ना उन्हें पेंशन देंगे, ना कोई सुविधा देंगे, ना उनकी कोई पोस्ट एम्प्लॉयमेंट होगी। वो कह रहा है पहले 1 साल में सैनिक तैयार होते, 6 महीने में तैयार होंगे। अरे, सैनिक बनाने के लिए पहले पूछा जाता था कि ठीक है, तो आप ये बताइए, क्या पहले जो सेना की भर्ती के फॉर्म्स आते थे, क्या उसमें जाति पूछा जाता था, हाँ या नहीं? बस एक आंसर दीजिएगा। देखिए, मैंने क्या कहा है कि इस देश में अगर किसी को भी देश सेवा करनी है, सेना में जाना है, किसी फोर्स में जाना है, तो उससे एक चीज पूछी जाती थी, एक कॉलम होता था कि आप भारतीय हैं नहीं है। किसी भी भारतीय को, नॉर्थ ईस्ट का हो, वो साउथ का हो, वो नॉर्थ इंडिया का हो, उसमें यही कॉलम तो होता था। पहले ये पूछा नहीं जाता था, कास्ट नहीं पूछा जाता था, आप ये कह रहे कास्ट नहीं पूछा जाता था। देखिए, देखिए, मूल सवाल ये है कि देश की सेना को कमजोर करने का काम मोदी सरकार कर रही है। मूल सवाल ये है कि क्या विपक्ष अफवाह फैलाने का काम कर रहा है, सवाल ये है। और इसीलिए आरजेडी के एजाज साहब, आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ एजाज साहब है। सर, क्या अफवाह फैलाने का काम सिर्फ विपक्ष कर रहा है? क्योंकि पहले जब फॉर्म में लिखा होता था कि कास्ट बताइए, धर्म बताइए, उस समय कहां थी विपक्ष? देखिए, विपक्ष कभी अफवाह नहीं फैलाया। आप देख रहे होंगे कि अग्निपथ योजना के बाद जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अग्निवीर के संबंध में बयानबाजी की, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो या अन्य नेता हो, उन्होंने किन किन शब्दों से इन लोगों को अलंकृत किया है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आज बोल रहे हैं कि जाति का कॉलम पहले से आता था, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या आरक्षण की व्यवस्था सेना की भर्ती में है क्या? जब सेना की भर्ती में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है, तो जाति की व्यवस्था कहाँ से हो सकती है? कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करने का प्रयास है। और जो अग्निपथ योजना है, पहले ठीक है, एजाज साहब नहीं, एजाज साहब देखिए, अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना अग्निवीरों के लिए ये बहुत बड़ा मौका है, बहुत सेंसिटिव मुद्दा है सर। सेंसिटिव साहब, एजाज जी, ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है, बहुत संवेदनशील मुद्दा है। ऐसे में सिर्फ आप बताइए, पहले जब सेना की भर्ती हुआ करती थी, वहां कास्ट पूछा जाता था कि नहीं, हाँ या ना? आज अचानक कैसे विपक्ष इसको लेकर सवाल पूछ रही है? और सवाल पूछ भी रही है तो सीधे सीधे पूछे ना सर, सिर्फ फॉर्म दिखा करके कि ये क्या पूछा जा रहा है, तो अफवाह फैलाने का काम है ना? अब देखिए सर, आरजेडी नहीं, आप बिहार में देखिए ना, अग्निवीरों ने क्या किया सर, ट्रेन पब्लिक प्रॉपर्टी फूंक दी है, क्या पता एक बार फिर से बवाल मच जाए पूरे देश में।
पूजा जी ये बवाल का मामला नहीं है, सर मेरा नाम प्रीति चौहान है, एजाज साहब के भविष्य के साथ खेलवाड़ एजाज साहब मेरा नाम प्रीति चौहान है, दूसरे तरफ ले जाना चाह रही है। नहीं बिल्कुल नहीं सर, भविष्य और नौजवान एजाज साहब इस तरह से प्रताड़ना का शिकार होते रहेंगे सरकार की प्रक्रिया के माध्यम से। बिल्कुल नहीं सर, इसीलिए तो आज ये डिबेट में आप सभी को बुलाया गया है, लेकिन तथ्य पूरे होने चाहिए ना सर, तथ्य क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आपके सवालों के जवाब ऋषभ तिवारी देंगे। नए कॉलम जोड़ने का काम कर रही है हर दिन। ठीक है ऋषभ तिवारी जी, नए नए कॉलम जोड़ते रहते हैं आप, पहले कुछ था ही नहीं। ऋषभ जवाब दीजिए। जी बिल्कुल प्रीति जी, सिलसिले वाइज में तीनों हमारे जो बैठे यहाँ पे पैनलिस्ट, पहला तशीन पूनावाला जी, दूसरा आरजेडी के हमारे भाई, तीसरा आम आदमी पार्टी के जो हमारे भाई अभी बोल के गए। मैं सर सुन लीजिए, थोड़ा सुन लीजिए, तेजस्वी यादव जी तो स्पीच देखकर भी नहीं बोल सकते और आप बड़ा अच्छा बोल रहे हैं लेकिन गलत बोल रहे हैं, थोड़ा सुन लीजिए। अब मैं आता हूँ इन सारे तीनों हमारे पैनलिस्ट के बातों पर। पहले बात पे आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता कह के गए कि सरकार को हमारे देश के सैनिकों के प्रति चिंता नहीं है, अगर वो शहीद हो जाते हैं उनके परिवार की चिंता नहीं है। पहला बात मैं कहना चाहूंगा, कोई भी देश का सैनिक अगर शहीद होता है तो पूरा देश को दुख होता है, और दूसरी बात उसके परिवार को कोई आर्थिक मदद करके उसकी कमी पूरी नहीं की जा सकती, लेकिन एक आर्थिक मदद उसे हिम्मत देता है, मजबूती देता है आने वाले संघर्ष को कम करने में। तो 1 करोड़ के राशि का भी प्रावधान है, नौकरी में आरक्षण का प्रावधान है, नौकरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट देने का प्रावधान है। तो स्टडी करें, स्कूल कहते हैं बहुत अच्छा बनाए, आम आदमी पार्टी का स्कूल अंदर ही कमजोर है क्या अपनी पार्टी के अंदर? पहले शिक्षा वहां ले लें, तब शिक्षा बाहर में अच्छा देने की बात कीजिएगा, झूठ की राजनीति बंद कर दे चैनल पे। दूसरा बात मैं आरजेडी के पास आता हूं, जिस पार्टी का नीति जातिवाद पे हो, जिस पार्टी ने आज तक राजनीति ही जातिवाद पे की हो, वो आज सवाल कर रही है जातिवाद को लेकर, वो आज पूछ रही है सेना को लेकर। सर कृपया करके सच्चाई सुने, शांति से वीरता से आज सभी लोगों की बातों को सुना, लेकिन बात देश पे आएगी तो सच्चाई सुनना पड़ेगा। ये आपके ही कांग्रेस पार्टी के साथ अलाइन में सरकार रही थी और उस समय आपके ही पार्टी के लोगों ने कहा था कोई सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुआ था। जनाब सेना झूठ बोल रही है, ये सेना की अपने तारीफ की थी, सेना के मजाक बनाने का इतिहास आरजेडी का हो कांग्रेस का हो रहा है। और दूसरी बात मैं कहूंगा, कहते सेना के ऊपर टिप्पणी, अरे आपने राष्ट्रपति के उम्मीदवार श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी पे आपके तेजस्वी यादव ने क्या बोला, मूर्ति मूर्ख, एक जनजाति महिला का अपमान करते हैं और दलित की बात करते हैं, जनजाति की रक्षा की बात करते हैं, एक जनजाति राष्ट्रपति उम्मीदवार होती है उसके ऊपर आरोप लगाते हैं, वो टिप्पणी करते हैं आपके मृत्युंजय तिवारी द्रौपदी की बात करते हैं, जनजाति की चिंता है, दलितों की चिंता, शर्म आनी चाहिए आप जैसे प्रवक्ताओं और आप जैसे पार्टी के नेताओं को। कुछ बात में आता हूँ, तसीम पुनाला वाला जी ने कहा रिक्रूटमेंट को लेकर डेटा रख के गए। तसीम जी आप एक अच्छे स्कॉलर भी है, रिसर्च करते हैं, थोड़ा रिसर्च आप यहाँ पे भी करेंगे कि 2014 से पहले सेना को अपने फाइटिंग इक्विपमेंट के लिए भी जूझना पड़ता था। 2014 से पहले मिग एयरलाइंस का जो एयरक्राफ्ट का जो एयरफोर्स की बात हम करते हैं उनको केवल पुराने फाइटर्स के तहत प्रणाली में जाना पड़ता था। 2000 से पहले एक्सटेंशन डीआरडीओ एक्सटेंशन टेक्नोलॉजी रिफॉर्मेशन के तहत जो इक्विपमेंट को मजबूत किया जा सके उसके लिए कार्य पेंडिंग थे। तो कृपया करके तसीम जी उस पर भी रिसर्च कर ले कि 2014 के बाद सेना किस रूप से मजबूत हुई है और 14 से पहले किस रूप से मजबूर हुई थी। मजबूर से मजबूत का काम ठीक है महिमा जी, भाजपा के नेता का कहना है कि 14 के बाद सेना जो है मजबूर से मजबूत हुई है, इसमें क्यों विपक्ष कास्टिज्म और जातिवाद फूंकना चाहती है? मैंने पहले भी कहा, फिर कह रही हूँ, विपक्ष का कहीं भूमिका नहीं है। भाजपा के प्रवक्ता धैर्य रखें, बोलिए बोलिए धैर्य रखें, बोलिए भाजपा के प्रवक्ता धैर्य रखें। जो आक्रामकता राजनाथ सिंह जी के बयान में दिखाई दे रही थी वही बौखलाहट यहाँ भाजपा के प्रवक्ता के अंदर भी दिखाई दे रही है। जरा धैर्य रखें, आप सदन में चर्चा नहीं होने देंगे उसका अर्थ ये थोड़ी है कि यहाँ चैनल पर भी चर्चा नहीं होने देंगे। ये जो बात यहाँ पूरी तरह से कही जा रही है, जो क्लेम्स भाजपा के प्रवक्ता कर रहे हैं प्रीति जी, समझने वाली बात ये है कि ये खोखले हैं। मैंने पहले भी कहा डिफेंस के ऊपर एक अलग से चर्चा की जा सकती है,
लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जी ने तो कहा ही था कि जो लोग चार साल अग्निपथ करेंगे उसके बाद भाजपा में अगर हमें हमारे कार्यालयों में गार्ड लगाने होंगे तो उन्हीं लड़कों को तो हम लगाएंगे, वो तो स्पष्ट हो ही जाता है। लेकिन साथ ही आज वरुण गांधी जी ने एक सवाल उठाया है इनके अपने सांसद होने के बावजूद। देखिए विपक्ष के सांसदों के ऊपर तो इनके नेताओं ने सवाल उठा दिए कि क्या सांसद नहीं जानते हैं सच्चाई क्या है, क्या भाजपा के सांसद वरुण गांधी भी नहीं जानते हैं सच्चाई क्या है? क्योंकि उन्होंने सवाल उठाया है कि जब आरक्षण का कोई प्रावधान ही नहीं है सेना के अंदर तो फिर ये जाति का कॉलम क्यों? और इसी के साथ मैं आपसे एक व्यक्तिगत उदाहरण यहाँ पर साझा करती हूँ। चलिए मान लेते हैं, ये कहते हैं सेना का उत्तर है 2013 में जो आया था कि जब हमें किसी जवान की शहादत पर उसका अंतिम संस्कार करना होता है तो देखना पड़ता है कि वो कौन से धर्म या जाति का है, जाति तो नहीं देखनी पड़ती अंत्येष्टि के लिए। हाँ, अंत्येष्टि के लिए। लेकिन आप ये बताइए कि पासपोर्ट के वेरिफिकेशन में कौन सा जो है वो कौन से रीति रिवाज के लिए उनको जाति जाननी होती है? व्यक्तिगत उदाहरण से मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए 2014 के बाद जब पुलिस वाले आते हैं तो वो जाति आपसे पूछते हैं, ये 2014 से पहले कतई नहीं होता था। आज आप देखिए, एक राज्य हरियाणा है जिसके अंदर पीपीपी कार्ड बनाए जाने की एक स्कीम शुरू हुई कुछ 2 वर्ष पहले, उसके अंदर जाति पूछी जाने लगी। और जिस तरह से माइक्रो मैनेजमेंट जाति को लेकर के भाजपा आज कर रही है, देश का हर नागरिक चौकन्ना है और चौकन्ना होने की आवश्यकता भी है। भाजपा यदि ये सोचती है कि देश की जनता किसी गहरी नींद में सो रही है और संसद में चर्चा न करवा करके बार बार हमारे सांसदों के द्वारा ये गुहार लगाने के बाद भी चर्चा को स्थगित करके या न करवा के यदि अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएगी तो भाजपा बहुत बड़ी गलतफहमी में है। इस गलतफहमी को देश बहुत जल्द लेते हैं। ऋषभ जी, जवाब दीजिए। जी बहन जी, मैं बिल्कुल शांति से सुना, आपने अपनी बातों को रखा और हमेशा हम मौका देते हैं रखने का। हम उन पार्टियों में से नहीं आते जिनको लोकतंत्र का गला घोटने की आदत हो, इमरजेंसी लगाने वाली पार्टी हमारी नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, उत्तराखंड में क्या हुआ था? इमरजेंसी हमने नहीं लगाया था मैडम, इमरजेंसी आपके पास क्या लगाया था? शायद आप भूल गए हैं, मेरे पिताजी भी जेल में रहे थे 9 महीने तक जेल में थे वो। ये किसने लगाया था? जो पार्टी लोकतंत्र की हत्या की थी, आज वो लोकतंत्र की बात कर रही है, कम से कम सीख ले, अच्छा लगेगा। मैसेज जाएगा आपके पार्टी के यंगस्टर को। मैम प्लीज बोलने दीजिएगा, मैम प्लीज बोलने दें। डेफिनेटली अब मैं आ रहा हूँ उस पहलू पर जिस पे चर्चा चल रही है, जाति के कॉलम। मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले जो प्रणाली थी उस 39 सेक्शन के पीडीएफ आते थे और उस 39 सेक्शन के पीडीएफ में 27वें स्लाइड के कॉलम नंबर 10, कृपया करके सर्च कर लीजिएगा, कॉलम नंबर 10 27वें स्लाइड में कास्ट कैटेगरी बेंसन था अनरिजर्व, उसमें भी कोई रिजर्वेशन की बात नहीं थी। तो ये नया प्रणाली नहीं है, देश की जनता को गुमराह करना बंद करे विपक्ष, नहीं तो विपक्ष में बैठे हैं कहीं उसके लायक भी ना रहे, क्योंकि देश की जनता को पता है देश को मजबूत कौन कर सकता है और केवल गुमराह कौन कर सकता है। और ये मैं फैक्ट पे बात कर रहा हूँ, कृपया तसीन जी भी इस पे रिसर्च कर लें। ठीक है तसीन साहब, रिसर्च। प्रीति जी, प्रीति जी, छोटा सा अवसर दीजिए, ठीक है मैं एक 10 सेकंड का अवसर दीजिएगा। ये इमरजेंसी की बात करते हैं, हम तो क्षमा वीरस्य भूषणम में विश्वास करने वाली पार्टी है और हमने क्षमा मांगी। ये 2016 में उत्तराखंड में जो इमरजेंसी लगाई थी उसके लिए क्षमा मांगे, ये क्या जो प्रेसिडेंट्स रूल वहां लगाया था और जो अघोषित इमरजेंसी देश में आज लगी है उसके लिए देश इन्हें क्षमा मांगने पर विवश करेगा। ठीक है तहसीन जी, बार बार मुझे भाजपा के मेरे मित्र कहते कि मुझे रिसर्च करना चाहिए, मुझे रिसर्च करना चाहिए, लेकिन मेरे एक भी सवाल का स्पेसिफिक उत्तर मुझे नहीं पाते। मेरे दो बहुत स्पेसिफिक सवाल है, लेकिन उसके पहले मैं टिप्पणी कर दूँ, महिमा जी का कांग्रेस के प्रवक्ता का उत्तर ही गलत दे रहे। जो पहले जाति की का रिक्वायरमेंट था आर्मी के लिए वो इसलिए था क्योंकि जो हमारी आर्मी उसमें अलग अलग रेजिमेंट है, कुछ 200 साल पुरानी रेजिमेंट, कुछ 250 साल पुरानी रेजिमेंट, जैसे जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, मराठा रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, उस आधार के लिए एक नई टीम में जहाँ रेजिमेंट का कोई मतलब नहीं वहां जाति का क्या मतलब, क्योंकि आर्मी में रिजर्वेशन होता नहीं। दूसरी चीज रिजर्वेशन की बात है, वहां भी आते मेरा बहुत स्पेसिफिक सवाल था, ये अग्निवीर जो 75% बाहर आएंगे, आपने कहा है कि आप इनको रिक्रूट करोगे सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, आप इनको रिक्रूट करोगे सेंट्रल फोर्सेस के अंदर। सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल फोर्सेस के अंदर ऑलरेडी एक सीमा होती है जिसके आगे आप रिक्रूटमेंट नहीं कर सकते। आपने पहला इसका उत्तर नहीं दिया कि आप रिक्रूटमेंट उस सीमा से अधिक है, उस सीमा से कम है। उस सीमा से अधिक है तो क्या आपने पार्लियामेंट में बिल लाया उसे चेंज करने के लिए? सुप्रीम कोर्ट में उसका क्या जवाब दोगे? सुनती बात,
अगर उस सीमा के अंदर है, क्योंकि मैं मानता हूं इस सीमा के अंदर है, तो इस वक्त भारत के अंदर पुलिस फोर्स के अंदर 5,30,000 वेकेंसी है। आपने आज तक उसको क्यों नहीं भरा? मात्र 1,30,000 सिर्फ उत्तर प्रदेश में वेकेंसी। दूसरी चीज, सेंट्रल गवर्नमेंट और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर यूनिट में आपने आज तक रिक्रूटमेंट सिर्फ 0.2% किया, 0.2% और 1%, तो उनको अब तक आज तक आपने क्यों नहीं भरा है? इसलिए सवाल उठता है कि 75% लोग जब बाहर जाएंगे, आप उनको अकोमोडेट कहां करेंगे? यहां आकर कांग्रेस पे चिल्लाना, आपने इमरजेंसी लगाई, कोई उत्तर नहीं हुआ। उत्तर आपसे जो स्पेसिफिकली पूछा जा रहा है उसका आप जवाब दीजिए। ठीक है ऋषभ जी। तहसीन जी बिल्कुल आपने प्रश्न किया, मैं उस पर आता हूँ। 2014 से लेकर 2015 का एक आंकड़ा मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जो एक्स वर्किंग आपका डेटा है वो था 32,23,926 और करंट में जो आप कोरोना महामारी को अगर उसमें अवॉइड करते हैं तो वो डेटा है 3,83,465। तो ये डेटा ऑलरेडी 60,000 से बढ़ा है। मैं आपको बता रहा हूँ सर, ये कोई मैं अपना डेटा नहीं बता रहा हूँ, आपके पास भी अवेलेबल होगा, सोर्सेस आपके पास भी होंगे। क्या प्रश्न पूछ रहा हूँ सर? एक सेकंड, आपने पूछा ना वैकेंट थे और उसका वैकेंसी नहीं आई, फिर जॉब पे आप जो एक्स सर्विसमैन के जॉब के लिए कहा गया, मैं उसके फैक्ट की बात कर रहा हूँ सर। नहीं सर, आप गलत है। इस वक्त मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का पार्लियामेंट में जवाब है माननीय अमित शाह जी ने उत्तर दिया है पार्लियामेंट के अंदर के एक्स सर्विस मैन को जो हमने सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्सेज और सेंट्रल पीएसी में हमने रिक्रूट किया है वो है मात्र 1% और 0.3%। क्या अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में गलत बोला, हाँ या ना? और अगर गलत बोला तो क्यों गलत बोला? सही बोला तो बाकी लोगों को आप रिक्रूट कैसे करोगे और उनके साथ इन लोगों को आप रिक्रूट कैसे करोगे, उसका उत्तर दीजिए। यहाँ आके जुमलेबाजी बंद। ठीक है तिवारी जी, छोटा बिल्कुल जुमलेबाजी भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं करती है, किसने किया देश ने देखा। लेकिन मैं फैक्ट पे ही बात करता हूँ। सेना के अधिकारियों ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चीजों को ऑलरेडी क्लियर किया है और उन्होंने कहा है कि आगे की प्रक्रिया भी रूट मैप उसकी तैयार हो रही है, और रूट मैप अगर तैयार होने की बात होती है तो कृपया करके सब्र करें, इंतजार करें, जवाब दे लें। सवाल खड़ा कर देना ही मकसद नहीं होना चाहिए, जवाब लेना भी मकसद होना चाहिए। उस पर यार 10% रिजर्वेशन की बात इसी सरकार ने कही है, 10% रिजर्वेशन की बात पाबंदी है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पाबंदी है। ये 10% ऑलरेडी रिजर्वेशन से अधिक है या कम है? अधिक है तो कैसे करोगे, कम है तो ऑलरेडी आपने इसके लिए ऑलरेडी स्टेटमेंट दिया है सर, कृपया पढ़ लीजिए कि ऑलरेडी कोई भी चीजें को जिस पे क्लैरिटी होना जरूरी है। ये आरोप लगा के चले जाएंगे और बाकी के बीच मैसेज जरूरी है। ऑलरेडी स्टेटमेंट दिया गया है कि इस पे प्रक्रिया चालू है और ये देश के सामने रखा जाएगा। आपकी पार्टी से हमारी पार्टी को बेहतर चिंता है देश की सर, और हमने दिखाया है करके, तो चिंता करके उस पे सवाल ना खड़ा करें। एक छोटा सा पॉइंट को मैं करके अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ये जो सैनिक आके, जो अधिकारी आके बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे तहसीन जी, ये हमारे 2014 में ना के बाद रिक्रूटमेंट इनका नहीं हुआ था, ये आपके समय से कार्य करते हैं। ऐसा क्या हो गया कि मोदी जी के सरकार में इनका विश्वास ज्यादा बढ़ गया और आपके सरकार में इनका विश्वास कम था? ऐसा क्या हो गया? ठीक है भारद्वाज साहब, नहीं भारद्वाज जी से भी जवाब ले लेते हैं, भारद्वाज साहब नहीं कर रही थी। ठीक है ठीक है, कृपया करके आपकी नीतियों पे भी आपको आकलन करने की आवश्यकता है। धनेंद्र भारद्वाज जी, और भारतीय जनता पार्टी के साथी ने आपके डिबेट में भी ये कह दिया कि अभी कोई रोड मैप तैयार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने लोगों को भ्रमित करने के लिए। सर झूठ ना बोले, मैंने ये कतई नहीं कहा, मैंने बोला प्रोसेस और टर्म्स को लेकर रोड मैप तैयार हो रहे हैं। जैसे आपके पार्टी के मुखिया झूठ बोलते हैं, आप भी चैनल पे झूठ बोल रहे हैं। ये फैक्ट्री झूठ बोलने की आपकी है क्या? कृपया करके पता कर ले, मैंने नहीं तो रिवाइंड देख ले आप क्या बोला था मैंने, झूठ ना बोले और उनको चुप कराइए। ठीक है ठीक है, गणेंद्र जी बोल। देखिए देखिए, हम शुरू से ये कह रहे हैं कि जब से मोदी सरकार आई है, मोदी सरकार ने सेना पे भी राजनीति काम करने का काम करा जो गलत है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, क्या देश की जो पहले जो सैनिकों की डिमांड की हो रहा थी मिल गया, हर किसान को मिल, हर उसको फौजी को मिल गया? आपने तो कहा था, आपने तो वायदा करा था आएंगे तो ओरा भी लागू कर देंगे, आए ओरा भी? आपने पहले भी सेना के सैनिकों को झूठ बोला और फिर से झूठ बोलने का काम कर रहे हो। ना उन्हें पेंशन की बात हो रही है, ना उनकी आफ्टर एम्प्लॉयमेंट की बात हो रही है, ना उनको कैंटीन की सुविधा मिल रही है, ना मेडिकल की सुविधा मिल रही है, और 3 साल बाद आप उनको बेरोजगार करके खड़ा कर दोगे।
कोई रोड मैप नहीं, आप खुद कह रहे हो रोड मैप नहीं है, और उसके बाद सेना को जिस तरीके से कमजोर करने का पहली बार नहीं हुआ, आपने हमेशा से सेना को टूल बनाया, पॉलिटिकल टूल बना के आप सेना को यूज कर रहे हो, ये गलत है। देश में आज तक ऐसा नहीं हुआ, देश की कोई प्रथा नहीं थी, और आपने सेना को भी अपना एक राजनीतिक टूल बना लिया, ये गलत है, आपकी नीयत खराब है, और बगैर सोचे समझे आप इस तरीके की योजनाएं लाते हो, और जब देखते हो कि विरोध हो रहा है फिर उसको रोल बैक कर लेते हो। तो इस तरीके से देश के नौजवानों के साथ, देश के सैनिकों के साथ उनका अपमान मत करो। नौजवान को रोजगार नहीं दे पा रहे, लेकिन भ्रमित तो मत करो, उन्हें गुमराह तो मत करो, उनसे झूठ तो मत बोलो। आप नौजवानों को रोजगार, जब आपको लगा कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट पे बहुत बड़ी बात हो रही है, तो आप इस तरीके की योजना लेके आ गए। मैं फिर कह रहा हूँ कि सैनिकों का अपमान करना बंद करो, सेना को कमजोर करना बंद करो, और अगर आपके नियत साफ है तो आप बोलो कि 3 साल बाद हम यहाँ पे इनको नौकरी देंगे। आपने रिजर्वेशन का कई प्रोसेस नहीं रख रहा कि उसके बाद क्या होगा, आपने कई शहीद का दर्जा देने की बात निकली, अगर वो 4 साल एजाज साहब भी आरजेडी के नेता हमारे साथ हैं, एजाज साहब अगर वो आरजेडी के प्रवक्ता एजाज साहब, एजाज साहब का दर्जा भी नहीं मिल रहा। ठीक है एजाज साहब, छोटा सा रखिएगा, छोटा सा जी सवाल किया जाए, क्या बिना सोचे समझे जल्दबाजी में सरकार है सेना में भर्ती को लेकर, जिसका एक उदाहरण अग्निपथ है और अग्निवीर। देखिए ये तो सरकार के द्वारा लगातार कहीं ना कहीं तीनों सेना अध्यक्ष के चीफ को बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए प्रेरित किया जाना, यही स्पष्ट करता है कि अपने सेना के तीनों अंगों के अध्यक्षों को भी इन्होंने विश्वास में नहीं लिया। और तो और माननीय रक्षा मंत्री कुछ बोलते हैं, माननीय गृह मंत्री कुछ बोलते हैं, माननीय प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं, इससे ही स्पष्ट होता है कि सरकार के अंदर तारतम्य नहीं है, सरकार के अंदर इस अग्निपथ योजना पर कोई विस्तार पूर्वक चर्चा नहीं की गई, कोई सही समझ की बात नहीं की गई, और ना ही भविष्य की योजनाओं की बात की गई है। भविष्य में इन युवा और छात्रों के साथ क्या होगा और किस तरह से उनके साथ खिलवाड़ होगा, छोटा सा कुछ भी सवाल आपके मन में हो आप बोलना चाहें छोटा सा रखिएगा। मैं तो भाजपा के प्रवक्ता से यही पूछना चाहती हूँ प्रीति जी, कि देश के अंदर 60 लाख इस समय वैकेंसीज हैं, 30 लाख के करीब सेंटर में है और 30 लाख के करीब राज्यों के अंदर है, तो ऐसे में ये ठेके पर जो रोजगार है वो देने के विचार की बजाय क्यों सरकार ये विचार नहीं करती कि इन 60 लाख वैकेंसियों को जो विभिन्न विभागों में है इन्हें पूरा किया जाए। ठीक है डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ, छोटा सा रखिएगा सर। रिलीजन जो धर्म का कॉलम आता है जब फॉर्म हम फिल करते हैं ऐसे में, उसके बारे में जरा बता दीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा घमासान इसी पे है कास्ट और धर्म को लेकर, वो भी सेना में। बिल्कुल अपनी बात बहुत छोटी रखूंगा, उससे पहले मैं एक छोटा सा वक्तव्य देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं अपने पैनलिस्ट जो है तहसीन पूनावाले जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने, मैंने पहली बार किसी को सुना है डिबेट पर फौज का जो है सम्मान करते हुए, उन्होंने बड़े सम्मान से शुरू किया, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि ऐसे पैनलिस्ट हमारे साथ हैं। इसी के साथ मैं कहना चाहता हूँ जो आरजेडी के जो प्रवक्ता है उन्होंने जो बोला हमारे तीनों चीफ के लिए, उनकी तीनों की जो नौकरी है कम से कम 36 साल की नौकरी है, उन्हें देश के लिए बहुत काम किया है, उनके बारे में इस तरह के वक्तव्य बोलना शायद शोभा नहीं देता, आप उसको सोचिए दोबारा। मेरा निवेदन है ना, मैं आता हूँ धर्म की बात पर, ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। धर्म की रिक्वायरमेंट जो है कॉलम इसलिए है, मैं श्रीनगर में रह चुका हूँ और उस समय रह चुका हूँ जब टेररिज्म जो है अपने उत्कर्ष पर था, और हर रोज हमारे कुछ जवान शहीद होकर उनके अवशेष हमारे पास आते, उनके अंतिम फूल हमारे पास आते थे, तो उनको सम्मान देने के लिए सभी को तिरंगे में ही लपेटा जाता है, सबके लिए कोई अलग रंग नहीं रखा जाता, ना अलग तरह का झंडा रखा जाता है, सभी के अवशेष तिरंगे में लाए जाते हैं, लेकिन उनका अंतिम संस्कार करने के लिए, उनके अवशेषों को सम्मान देने के लिए, उनकी धर्म की रक्षा के लिए 4 तरह के लोग हमारे वहाँ हमेशा मौजूद रहते हैं, जिसमें जो है सिखों के जो धर्मगुरु हैं वो, मुस्लिम धर्मगुरु जो हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं और क्रिश्चियन धर्मगुरु, चारों रहते हैं, और जिस तरह का प्रोसीजर होता है वो पूरा फॉलो किया जाता है। आज भी श्रीनगर के जैक राइफल में वहाँ पर बड़े सारे हमारे जो शहीद हैं उनके नाम वहाँ पर हैं और कब वहाँ पर हैं उनकी, और आज भी उनकी पूजा की जाती है। तो ये प्लीज़ जो इस धर्म को आप इस राजनीति से इस तरह मत जोड़िए, फौज के लिए जो धर्म का नाम रिक्वायर्ड है वो सिर्फ इसलिए है, अदरवाइज फौज जो है धर्म से ऊपर, जाति से ऊपर काम करती है, और हम सिर्फ और सिर्फ देश के लिए काम करते हैं। मेरी आपसे हाथ जोड़ के, प्लीज धर्म और जाति को
फौज के साथ मत जोड़िए, आपने पॉलिटिकल जो आपने करना है प्लीज करिए, मुझे उसको कोई आपको नहीं है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया मार्ट तमाम मेहमानों का। और आपने सुना कि फौज को जाति धर्म से ऊपर रखिए, जोड़ने की जरूरत नहीं है फौज को हमारी सेना क्यों, क्योंकि हमारी सेना हमारे लिए दिन रात सीमा पे खड़ी रहती है, जान की बाजी लगाती है। और ऐसे में सेना के साथ जाति धर्म करना अपने आप में अपमानजनक है। ऐसे में इंडिया का सवाल में आज सवाल हमने पूछा था, क्या अग्निवीर अग्निपथ योजना में जिस तरीके से अग्निवीर आगे आ रहे हैं उसमें कास्टिज्म को लेकर विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है। तमाम सवालों के जवाब हमने जाने, क्योंकि सवाल ये देश का है।